मूवी के इस कंक्लूजन पे काफी कंट्रोवर्सीज है ऑन हाउ दिस सीन मोटिवेट्स किड्स टू लीव देयर पेरेंट्स इफ दे आर अब्यूसिव। स्टोरी टाइम। स्कूल डेज में एक दोस्त को खेलते खेलते चोट लग गई। अच्छी खासी जख्म लगने के बाद भी बंदा घर नहीं जा रहा था, काफी दर्द में भी था, बट उसे घर जाने से डर लग रहा था। एक अच्छे दोस्त की तरह मैं उसे घर छोड़ने गया और उसकी माँ को बताया कि उसे लग गई है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। दोस्त की माँ ने जैसे ही ये बात सुनी उसने पास वाला स्टूल उठाया और मेरे फ्रेंड की तरफ फेंका। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्यों डर रहा था घर जाने को। उसकी माँ को एंगर इश्यूज थे एंड शी नीडेड हेल्प। और ये समझने के लिए हम उतने बड़े और माँ उतनी समझदार नहीं थी। रुको, दया मत करो उस पे। भाई ने बड़े होकर जोरदार कमबैक दिया है अपनी अब्यूजिव माँ को। उसकी स्टोरी का करंट अपडेट एंड में बताऊंगा। अब उड़ान मूवी पे आते हैं। हमारे पास इंडिया में चाइल्ड सर्विसेज के नाम पे तुमको कोई खास सर्विस नहीं मिलती। उड़ान मूवी अब्यूसिव पेरेंटिंग के काफी सेंसिटिव टॉपिक को कवर करती है। रोहन को इंजीनियरिंग में फोर्स किया जाता है जबकि उसे राइटर बनने की इच्छा होती है। नशा आसमान का जो चूमता तुम्हें, हसरतें तुम्हारी नया जन्म पाती, खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूने, कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। छोड़ दो, गृह शोभा या सरिता में छपेगा या कोई अठन्नी डाल के चला जाएगा। हमारे यहाँ काफी पेरेंट्स बच्चों को एक पर्टिकुलर करियर में फोर्स करके डालते हैं या फिर कभी कभी बच्चा खुद ही रियलाइज कर लेता है कि उसे इस करियर में इंटरेस्ट नहीं है, बट पीयर प्रेशर में आके, समाज के प्रेशर में आके बस लगा रहता है वो डिग्री परस्यू करने में, जिससे उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बचा है। रोहन भी कुछ इसी तरह इंजीनियरिंग से फ्रस्ट्रेट हो गया रहता है। अपने डैड की मिलिट्री टाइप डिसिप्लिन से वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। मूवी में तुम्हें रोहन का एक प्यारा सा भाई दिखेगा जिसे भी इस अब्यूजिव फादर की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा था। आई थिंक मुझे पर्सनली ये मूवी इसी वजह से ज्यादा रिलेटेबल लगी क्योंकि इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैंने इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस किया था। मूवी फिलोसॉफिकली कितनी मच्योर है वो तुम तब रियलाइज करोगे जब तुम ये समझते हो दैट इट वॉज द अब्यूज दैट मोटिवेटेड रोहन टू रन away from the abuse. मुझे तो लगता है रोहन was blessed कि उसे spectrum का extreme side देखने मिला जिसकी वजह से उसका decision काफी obvious हो गया। मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है वाला जब attitude आता है ना, तब extreme steps लेने की हिम्मत जुटा लेते हो तुम। कुछ powerful scenes के बारे में बोलूं तो मेरे लिए ये दो scenes एकदम goosebumps वाले थे। This scene marks the start of the end. रोहन अपने डैड की कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट वो होती नहीं। वो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि इतनी सी बात पे एक रेज में चले जाता है, अपने डैड की गाड़ी को पूरी तरह डैमेज कर देता है। ये सिचुएशन से रोहन को ये रियलिटी हिट होती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरी तरह पागल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइड्स टू लीव। अब आते हैं मेरे दूसरे फेवरेट सीन पे। रोहन के डैड उसे रोज सुबह जॉग पे लेके जाकर रनिंग के लिए ट्रेन करते हैं और वो हमेशा उनके पीछे भागता था। फिलोसॉफिकल लेंस से देखे तो रोहन के डैड ही उसे एक तरीके से इस दिन के लिए रेडी कर रहे थे। रोहन अपना बैग उठा के निकल रहा होता है, उसके डैड गुस्से में उसे फॉलो करते हैं और देखते देखते एक रेस शुरू हो जाती है दोनों में। अब इस इंटेंस रेस में रोहन को ये रेस जीतनी ही होगी क्योंकि ये उसकी आजादी की रेस है। मूवी के इस कंक्लूजन पे काफी कंट्रोवर्सीज है ऑन हाउ दिस सीन मोटिवेट्स किड्स टू लीव देयर पेरेंट्स इफ दे आर अब्यूसिव। बट कभी कभी कुछ ऐसे डिस्टर्ब माँ बाप होते हैं जो बच्चों को डिग्निटी से बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद उतने डैमेज्ड होते हैं। अब इस प्रोसेस में उनकी अपनी जिंदगी तो खराब हुई बट उस बेचारे बच्चे की भी हो रही है, एंड वो बच्चा जब बड़ा होकर अपने बच्चों को भी ऐसे ही ट्रीट करेगा तो ये साइकिल कभी टूटने ही नहीं वाला है। द बेस्ट वेरिएबल फॉर ग्रोथ इज ड्रास्टिक चेंज। अब इस विशेष साइकिल को ब्रेक करना है तो एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है, एंड रोहन के लाइफ का ड्रास्टिक चेंज होता है भागना। रियलिटी में ये सोल्यूशन सही या गलत उसके कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बट मूवी के सिचुएशंस को कंसिडर करें तो रोहन के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि नहीं भागता तो शायद वो खुद को या किसी और को ज्यादा डैमेज कर देता। मूवी का अब्यूज वाला पार्ट अगर साइड में रखे तो इट ऑल्सो टीचेज यू अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स, अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। पर्सनली मैंने पूरी स्टोरी एंड सॉन्ग से काफी मोटिवेशन लिया है टू डू वॉट एवर आई डू इन माई लाइफ। वीडियो को अपने फ्रेंड की स्टोरी बता के एंड करना चाहूंगा ताकि अगर कोई रोहन इसे देख रहा है तो एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी दिखे। अगले कई सालों तक इस फ्रेंड के साथ ये रैंडम एक्सीडेंट्स होते रहे, बट रोहन की तरह वो भाग नहीं सकता था। लाइफ मूवी थोड़ी है, भागने के बाद करोगे क्या? रोटी कपड़ा मकान कहां से लाओगे? उसी सिचुएशन में जितना हो सके उतना पढ़ता गया, कॉलेज जाते ही जॉब पे लगा, एंड स्लो एंड स्टडी अपनी इनकम इतनी बना ली कि इंडिपेंडेंट हो गया। एज ऑफ 2021 खुद का घर बना लिया है बॉम्बे में, एंड काफी खूबसूरत लड़की से शादी करके सेटल हो गया। कमिंग ऑफ एज मूवीज लाइक उड़ान नीड टू बी सेलिब्रेटेड। ये मूवी अनकम
अनकंफर्टेबल सोशल इश्यूज को सामने रखती है एंड लोगों को अपने चॉइसेस एंड बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करवाती है। सोसाइटी को करेक्ट करने के लिए अगर कोई मूवीज बनी होंगी तो उड़ान इज वन ऑफ दोज फ्यू जेम्स। That's my time। इस चैनल से कोशिश ये है कि एक छोटी सी थिंकर्स की कम्युनिटी बनानी है जो सिर्फ कंटेंट देखती नहीं, उसे आर्ट की तरह अप्रिशिएट करती है, उससे कुछ सीख लेती है एंड फिर डिस्कस भी करती है। ये अगर इंटरेस्टिंग लगा सुन के तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। और एक क्रिटिकली फेल्ड मूवी है जिसके ऊपर भी मैंने कुछ ओपिनियंस रखे हैं, तो यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो देखना जरूर।